8:12 किसी को बताना मत। देवताओं के राजा इंद्र हैं। उनका एक हाथी है जिसका नाम है ऐरावत। रंग है जिसका दूध सा सफेद। माथे पर लाल तिलक, गले में फूलों की माला। देखने में अत्यंत आकर्षक और सुंदर। एक दिन ऐसा आया कि ऐरावत पृथ्वी पर घूमने निकला। रात का समय था। वह एक ईख के खेत में उतरा, ईख खाने लगा। वाह, क्या मीठी ईख है, मजा आ गया। ऐरावत मन ही मन खुश हुआ। सुबह किसान ने आकर अपना खेत देखा। वह चिल्लाया, अरे मेरी ईख कौन खा गया? आज रात को पकड़ूंगा बच्चों को। वह मोटा रस्सा लेकर खेत में आ गया और ईख पर जाल फैला दिया। सूरज ढलते ही ऐरावत आसमान से उतरा, फिर से मजे लेकर ईख खाने लगा। किसान के जाल में वह फंस गया। किसान ने आकर रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया। फंदे में फंसा सफेद हाथी देखकर किसान फूला ना समाया। परंतु फिर भी किसान गुस्से में था। वह बोला, तुम ही मेरी ईख खा जाते हो, क्या कुछ और नहीं मिलता तुम्हें? ऐरावत बोला, मिलता है ना, पर इतनी मीठी ईख नहीं मिलती। सेब मिलते हैं घड़े जितने बड़े और सुनहरे। अंगूर मिलते हैं तरबूज जितने बड़े और बिना बीज के। ऐरावत की बातें सुनकर किसान को लालच आ गया। वह बोला, मुझे भी ले चलो अपने वहां, तब तुम्हें छोड़ूंगा। वादा करो कल ले चलोगे। ऐरावत ने वादा कर दिया। बोला, ठीक है, कल तुम तैयार रहना, पर किसी को भी बताना मत। किसान घर गया तो सोचा, माँ को बता दूं, बिना बताए गया तो वे चिंता करेंगी। माँ ने सुना तो बोली, मैं भी साथ चलूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, पर किसी को बताना मत। माँ ने अपनी पड़ोसिन को बताया। पड़ोसिन ने अपने पति को, पति ने अपने दोस्तों को। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। किसान के खेत में भीड़ लग गई। सब ऐरावत की प्रतीक्षा करने लगे। ऐरावत आसमान से उतरा, सब खेत में छिप गए। किसान को अकेला ही खड़ा देकर ऐरावत बोला, मेरी पूंछ पकड़ लो। किसान ने एक हाथ से ऐरावत की पूंछ पकड़ ली, दूसरे हाथ में थैला। माँ ने किसान की टांगे पकड़ ली और धीरे धीरे सब एक दूसरे को पकड़कर ऊपर उठने लगे। अचानक ऐरावत बोला, किसान भाई, थैला क्यों लाए हो? किसान बोला, थैले में घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूर भर कर लाऊंगा। ऐरावत ने फिर बोला, कितने बड़े? किसान ने पूंछ छोड़कर हाथों से दिखाना चाहा। बस फिर क्या था, धम 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 धड़ाम, और सब धरती पर गिरते गए। ऐरावत ने कहा, मैंने कहा था ना, किसी को बताना मत, तुमसे एक बात नहीं पची, तुम सेब अंगूर क्या पचाओगे? और ऐरावत उन सब पर हंसता हुआ अकेला ही आसमान में उड़ गया।